हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू दिस क्लास. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अ लेसन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. दिस इज यूनिट 14 ऑफ योर बुक्स. दिस इज पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर. सो फर्स्ट यू विल रीड पार्ट 1, 2 एंड 3, देन यू विल कम टू पार्ट 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज द बिशप्स कैंडल स्टिक्स. इट इज रिटन बाय नॉर्मन मैककिनल. Before we proceed with the fourth part of the chapter, let us see हमने कहाँ तक story पढ़ी है, हमने story में अब तक क्या पढ़ा है. A convict enters the bishop's home. He threatens to kill the bishop and orders for food. Bishop के घर में एक चोर आ जाता है, jail से कैद से भागा हुआ एक चोर, और वो bishop को कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो मुझे खाना दो. वो बहुत ज्यादा भूखा है. The bishop is kind to him. Bishop सब लोगों की मदद करता है, ऐसे ही वो convict के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है. Persom dislikes his appearance and is scared of his hungry eyes. Bishop की बहन Persom, वो इस convict से नफरत करती है, उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी आंखों में एक hungry look है. The convict is tempted to steal the pretty candlesticks. कॉन्विक्ट बिशप के घर में रखी हुई बहुत ही सुंदर कैंडलस्टिक्स को देखता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है. वो उन्हें चुराना चाहता है. ही फील्स दैट दे विल फेच हिम अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली टेक्स देम अवे. कॉन्विक्ट को ये लगता है कि कैंडलस्टिक्स बहुत ही वैल्यूएबल है, अगर वो उन्हें बेच देगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और फाइनली वो उन्हें चुरा लेता है. अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. Persom says From without. Without means अंदर से. Who's there? Who's there? I say. Am I to get no sleep tonight? Who's there? I say. Enter right, Persom. I'm sure I heard the door shut. Looking around. Persom अंदर से कहती है, कौन है, कौन है बाहर? क्या आज रात को मुझे नींद नहीं मिलेगी? और फिर से कहती है, कौन है? फिर वो कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी थी. और फिर वो अपने आसपास देखती है. फिर वो कहती है, नो वन हियर. देन शी नॉक्स एट द बिशप्स डोर, सीज द कैंडलस्टिक्स हैव गॉन. द कैंडलस्टिक्स दे आर गॉन. ब्रदर ब्रदर कम आउट. फायर मर्डर थीव्स. एंड देन एंटर बिशप फ्रॉम लेफ्ट. Persom जोर जोर से अपने भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाने लग जाती है, और फिर वो देखती है कि मैंटल प्लेस के ऊपर से कैंडलस्टिक्स मिसिंग है. इसलिए वो अपने भाई को बुलाती है, बाहर आओ जल्दी से, आग लग गई, खून हो गया, चोर आ गए. वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो ये सब कुछ बोलती है, और तभी बिशप वहां पर आ जाते हैं. बिशप सेज, व्हाट इज इट डियर, व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर. बिशप पूछते हैं, क्या बात है, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो. Persom says, he has gone. The man with the hungry eyes has gone and he has taken your candlesticks. वो कहती है, वो जो आदमी था, मुसाफिर जो आया था, जिसकी आंखें hungry eyes थी, वो चला गया है और वो तुम्हारी candlesticks भी ले गया है. Bishop says, not my candlesticks, sister. Surely not those. He looks and sighs. Ah, that is hard, very hard. He might have left me those. They were all I had. And then he is almost breaking down. Bishop कहता है, नहीं नहीं Persom, मेरी बहन, वो मेरी candlesticks नहीं लेकर जा सकता. और फिर वो बहुत ही लंबी सी आह भरता है, कहता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसे उन्हें मेरे लिए छोड़ देना चाहिए था. They were all I had means they were my only possession. बिशप के पास कैंडलस्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं था. वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और इसलिए उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी, और इसलिए वो ऑलमोस्ट रोने लग जाता है. वो इतना ज्यादा हार्ट ब्रोकन होता है कि ये चोर उसकी कैंडलस्टिक्स भी ले गया, उसकी आखिरी पोजेशन. देन Persom सेज, वेल बट गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस. ही कांट हैव गॉन फार. They will soon catch him and you'll get the candlesticks back again. You don't deserve them though, leaving them about with a man like that in the house.
पर सोहम कहती है जाओ जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा और पुलिस उसको पकड़ ही लेगी और तुम्हें तुम्हारी कैंडलस्टिक्स वापस मिल जाएंगी। फिर वो कहती है लेकिन यू डोंट डिजर्व देम, तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम्हें तुम्हारी कैंडलस्टिक्स वापस मिले क्योंकि तुमने उन्हें एक ऐसे आदमी के हवाले छोड़ दिया था जो कि एक चोर है। बिशप सेज यू आर राइट परसोम, इट वॉज माई फॉल्ट, आई लेड हिम इन टू टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स अ डिजायर एंड अट्रैक्शन टू टेक और स्टील। बिशप अपनी बहन को कहते तुम बिल्कुल सही हो, मेरी गलती है, मैंने ही उसे टेम्प्ट किया, मैंने उसे वो कैंडलस्टिक्स दिखाई जिसकी वजह से उसके अंदर ये इच्छा हुई उन्हें चुराने की, और मेरी गलती है। पर सोम सेज ओ नॉनसेंस, आई लेड हिम इन टू टेम्पटेशन इंडीड, द मैन इज अ थीफ, अ कॉमन स्काउंडरली थीफ, आई न्यू इट द मोमेंट आई सॉ, गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस और आई विल, शी इज गोइंग बट ही स्टॉप्स हर। पर सोम कहती है नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स सेंसलेस रबिश, वो कहती है तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो तुम। टेम्पटेशन, वो कहती है आई लेड हिम इन टू टेम्पटेशन इंडीड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक चोर है, एक बहुत ही आम सा बुरा इमोरल थीफ, और मुझे तो तब से ही पता है जब से मैंने उसे पहली बार देखा था, और जो इंसान चोर है उसका तो काम ही चोरी करने का है, तो उसमें वो कहती है कि टेम्पटेशन की तो कोई बात ही नहीं है, जो तुम कह रहे हो कि तुमने उसे टेम्प्ट किया ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, वो है ही एक चोर तो वो चोरी ही करेगा। वो जा रही है पुलिस को बुलाने के लिए लेकिन बिशप उसे रोक देते हैं। बिशप सेज एंड हैव हिम सेंट बैक इट टू प्रिजन वेरी सॉफ्टली, सेंट बैक टू हेल, नो परसोम, इट इज अ जस्ट पनिशमेंट फॉर मी, आई सेट टू ग्रेट स्टोर बाय देम। जस्ट मीन्स राइट, फेयर, सही होना। सेट टू ग्रेट स्टोर बाय देम मीन्स आई अटैच्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस विद देम। बिशप ये कह रहा है कि मैं ही उन कैंडलस्टिक्स को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस, महत्वता दे रहा था। जब परसोम पुलिस स्टेशन जा रही होती है तो बिशप उसे रोक देते हैं, वो कहते हैं अच्छा जाऊं जाकर पुलिस को बताऊं ताकि उसे वापस एक बार फिर से जेल में डाल दिया जाए, उसे उसी हेल में, उसी नर्क में एक बार फिर से भेज दिया जाए। फिर वो परसोम को कहते हैं नहीं परसोम, ये मेरी सजा है क्योंकि मैंने उस कैंडलस्टिक्स के साथ एक बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट जोड़ ली थी, उन्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी। It was a sin. My punishment is just. But, oh God, it is hard. It is very hard. He buries his head in his hands. Buries means he puts or hides his head in his hands. वो ऐसे अपने हाथों में अपने सिर को रखकर दुख प्रकट करता है। बिशप ये कहता है कि मैंने एक बहुत ही गलत काम किया जो कि मैं उन कैंडलस्टिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था और इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है, उन्होंने इन कैंडलस्टिक्स को मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन ये चीज को बर्दाश्त करना बिशप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। परसोम सेज नो ब्रदर यू आर रॉन्ग, इफ यू वोंट टेल द पुलिस आई विल नॉट स्टैंड बाय एंड सी यू रॉब्ड, I know you are my brother and my bishop and the best man in all France. But you are a fool. I tell you, a child and I will not have your goodness abused. I shall go and inform the police. Going. Fool means a foolish or unwise person. एक ऐसा इंसान जो कि समझदार नहीं है, जिसको कोई भी बेवकूफ बना देता है. Abused means misused. परसोम अपने भाई बिशप को कहती है कि नहीं तुम गलत हो, तुम अगर पुलिस के पास नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, मैं ये नहीं देख सकती कि कोई भी आए और तुम्हारे से तुम्हारी चीजें चुरा कर ले जाए। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बिशप हो और तुम फ्रांस के सबसे अच्छे आदमी हो, लेकिन वो बात अलग है कि तुम बेवकूफ हो और सब लोग तुम्हारा बुद्धू बना देते हैं, लेकिन मैं और कोई भी बच्चा जो होता है वो सबके साथ फेयर होता है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। तो वो कहती है कि हम तुम्हारी इस अच्छाई का मिसयूज नहीं होने देंगे, मैं ये नहीं देख सकती कि तुम इतने अच्छे हो लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, और इसलिए मैं जाकर
पुलिस को खबर करूंगी. और वो वहां से जा रही है. बिशप सेज, स्टॉप परसाम, द कैंडलस्टिक्स वर माइन, दे आर हिज नाउ, इट इज बेटर सो, ही हैज मोर नीड ऑफ देम देन आई, माय मदर वुड हैव विश्ड इट सो हैड शी बीन हियर. बिशप परसाम को कहते हैं रुक जाओ, वो कैंडलस्टिक्स मेरी थी और अब वो उस आदमी की हैं जिसने उन्हें चुरा लिया है, और ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही ठीक है. वो कहते हैं कि लगता है उसे इन कैंडलस्टिक्स की मुझसे ज्यादा जरूरत थी, और अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती कि चलो ये कैंडलस्टिक्स इस जरूरतमंद इंसान को दे दो. परसाम सेज बट एंड देयर इज ग्रेट नॉकिंग विदाउट, विदाउट मीन्स आउटसाइड. परसाम अभी कुछ बोलने ही लगती है और तभी उनके बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई खटखटाहट करता है. सार्जेंट सेज फ्रॉम विदाउट, सार्जेंट आया है, वो बाहर से बोलता है मनसेनर मनसेनर वी हैव समथिंग फॉर यू, मे वी एंटर. सार्जेंट कहता है बिशप को, मनसेनर मनसेनर हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, क्या हम अंदर आ जाएं? बिशप सेज एंटर माय सन, बिशप कहता है आ जाओ. एंटर सार्जेंट एंड थ्री जेंडार्म्स विद द कॉन्विक्ट बाउंड. The sergeant carries the candlesticks. Bound means tied up. अब बिशप के घर में सार्जेंट आता है और उसके साथ में तीन पुलिस के आदमी आते हैं, जेंडार्म्स पुलिस के, और साथ में उनके कॉन्विक्ट है जिसे उन्होंने बांध के रखा हुआ है, और सार्जेंट के हाथ में बिशप की कैंडलस्टिक्स हैं. परसाम says, ah, so they have caught you. Villain? Have they? Villain is a bad person who harms others by breaking laws. एक बुरा इंसान, एक ऐसा इंसान जो गलत काम करता है. परसाम कहती है, आह, तो फाइनली पुलिस ने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम एक बुरे इंसान हो. सार्जेंट सेज, यस मैडम, वी फाउंड दिस स्काउंड्रल स्लिंकिंग अलोंग द रोड एंड एज ही वुडंट गिव एनी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ वी अरेस्टेड हिम ऑन सस्पिशन. होली वर्जिन, इजंट ही स्ट्रांग And didn't he struggle? Scoundrel is a dishonest person or a cheat. Ek dhokebaz insaan. Slinking means moving stealthily, sneaking. Chori chupke chalke jana taki koi aapko dekh na le. Suspicion means doubt. Kisi pe shak karna. Struggle means to fight back or resist. Aapas mein jhapatna. So the sergeant of gendarmes tells Persom that humne is चीट को, इस धोखेबाज इंसान को चोरी छुपे सड़क के किनारे चलते हुए देखा, और वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहां से आया है, कहां जा रहा है, यहां क्या कर रहा है, और इसीलिए हमें उस पर शक हो गया और हमने उसे अरेस्ट कर लिया. और वो कहते हैं होली वर्जिन, यानी कि वो मदर मेरी का नाम लेते हैं, जैसे कि हम ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हे भगवान, मैं आपको बताऊं, ये इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और इसने हमारे साथ बहुत ज्यादा झपट भी की अपने आप को बचाने के लिए. While we were securing him, these candlesticks fell out of his pockets. Persom seizes them, goes to the table and brushes them with her apron lovingly. अब फर्दर कहता है, While we were securing him means Taking him in control, जब हम उसे अपने control में ले रहे थे, यानी कि उसे overpower कर रहे थे, तब ये candlesticks इसकी जेब से गिर गई. Seizes means takes and apron is a protective dress worn over one's clothes. यहाँ पर आप देख सकते हैं, these are the types of aprons. एप्रन जनरली लेडीज पहनती हैं घर में काम करते वक्त, ताकि उनकी ड्रेस खराब ना हो जाए. ऐसा ही एप्रन परसाम ने पहना हुआ था. परसाम फटाफट से सार्जेंट से कैंडलस्टिक्स ले लेती है और उन्हें अपने एप्रन के साथ साफ करने लग जाती है. देन द सार्जेंट सेज, आई रिमेम्बर द कैंडलस्टिक्स ऑफ मनसेनर द बिशप, सो वी ब्रॉट हिम हियर दैट यू माइट आइडेंटिफाई देम एंड देन वी लॉक हिम अप. Lock him up means put him in prison. हम उसे जेल में डाल देंगे. सार्जेंट कहता है कि मुझे याद है कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं, ये मनसेनर बिशप की हैं, और इसीलिए हम इस आदमी को आपके पास ले आए हैं, ताकि आप इसे पहचान लें
कि ये आपके घर पर आया था और ये कैंडलस्टिक्स आप ही की हैं और फिर हम इसे जेल में बंद कर देंगे. द बिशप एंड द कॉन्विक्ट हैव बीन लुकिंग एट ईच अदर द कॉन्विक्ट विद डॉग्ड डिफायंस. डॉग्ड मीन्स स्टबन, डिटर्मिंड, ढीठ. डिफायंस मीन्स डिसरिगार्ड, किसी का रिगार्ड ना करना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना. बिशप और कॉन्विक्ट एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कॉन्विक्ट बिशप को एक गुस्से भरी डिसरिस्पेक्टफुल नजर से देख रहा है. बिशप सेज, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस जेंटलमैन इज माई वेरी गुड फ्रेंड. बिशप कहता है, लेकिन मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, ये जो आदमी है जिसे आपने पकड़ा हुआ है ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. सार्जेंट सेज, योर फ्रेंड मनसेनर, होली वर्जिन. वेल, सार्जेंट बहुत हैरान है, वो कहता है आपका दोस्त है मनसेनर, होली वर्जिन. वो कहता है हे भगवान, ये आपका दोस्त है. चलो, वो कोशिश कर रहा है इस बात को एब्सॉर्ब करने की, इस बात को एक्सेप्ट करने की. बिशप सेज, यस माय फ्रेंड, ही डिड मी द ऑनर टू सप विद मी टुनाइट एंड आई हैव गिवन हिम द कैंडलस्टिक्स. सप मींस टू हैव सपर. जैसे कि इस कॉन्विक्ट ने बिशप के घर में खाना खाया था, सपर खाया था, तो बिशप ये कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरा दोस्त है और आज रात को इसने मेरे साथ सपर खाया था और उसके बदले में मैंने उसे कैंडलस्टिक्स गिफ्ट की तरह दी हैं. साजन सेज इनक्रेडुलसली. इनक्रेडुलसली मींस अनबिलीवेबली, उन्हें यकीन नहीं हो रहा. और वो कहते हैं, यू गेव हिम योर कैंडलस्टिक्स, होली वर्जिन. वो कहते हैं कि आपने इतनी प्रेशियस चीज, अपनी कैंडलस्टिक्स उसे दी, हे भगवान, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा. बिशप सेज सिवियरली. सिवियरली मींस सीरियसली. रिमेंबर माय सन दैट शी इज होली. अब यहां पे शी कौन है? ये कैंडलस्टिक्स. एंड होली मींस सेक्रेड, रिलीजियस. बिशप बहुत ही गंभीर है और गंभीरता से कहते हैं, ये चीज याद रखना मेरे बच्चे कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये एक सेक्रेट चीज है, ये बहुत ही पवित्र चीज है. सार्जेंट सेज सैल्यूटिंग. सार्जेंट बिशप को सलाम करता है और कहता है, पार्डन मनसेनर. पार्डन मींस टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. सार्जेंट कहता है कि मनसेनर, मुझे माफ कर दीजिए. बिशप सेज एंड नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो. बिशप कहते हैं कि अब जब आपको पता चल गया है कि वो मेरा दोस्त है, उसे मैंने ही ये कैंडलस्टिक्स प्रेजेंट में दी थी, तो अब आपको उसे फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए. सार्जन सेज, बट ही वोंट शो मी हिज पेपर्स, ही वोंट टेल मी हु ही इज. पेपर्स हियर मींस द आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड. सार्जन कहता है, लेकिन ये अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं दे रहा है, ये बता ही नहीं रहा है कि ये कौन है. बिशप सेज, आई हैव टोल्ड यू ही इज माय फ्रेंड. बिशप कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा दोस्त है, तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ मिल गया है कि आपके चर्च के बिशप ये कह रहे हैं कि ये आदमी उनका दोस्त है, एंड दैट शुड बी इनफ. सार्जेंट सेज, यस दैट इज ऑल वेरी वेल, बट. सार्जेंट कहते हैं कि हाँ, ये तो ठीक है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन फिर भी बिशप उसको इंटरप्ट करके कहते हैं, ही इज योर बिशप्स फ्रेंड, surely that is enough. बिशप कहते हैं कि ये तुम्हारे बिशप का दोस्त है, ये चीज तुम्हारे लिए इनफ होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए, इतनी आइडेंटिटी तुम्हारे लिए बहुत है. सार्जेंट सेज वेल, बट. वो फिर से कुछ बोलने लगता है, बिशप उसको इंटरप्ट करके कहता है, surely. There is a pause. The sergeant and the bishop look at each other. अभी सार्जन सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहा है कि हाँ, लेकिन फिर भी उसे अभी भी उस आदमी पे शक है. बिशप कहता है, बस इतना बहुत है, जब मैंने कह दिया कि ये मेरा दोस्त है, तो अब आपको और ज्यादा आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं है. और सार्जेंट और बिशप एक दूसरे की तरफ देखते हैं. देन द सार्जेंट सेज देन ही सेज टू हिज मैन, लूज द प्रिजनर. दे डू सो. And then he says, right about turn, quick march. Exit sergeant and gendarmes, a long pause. Sergeant reluctant है, लेकिन finally वो बिशप की बात मान लेता है. वो कहता है,
और वो अपने आदमियों को, उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, उनको कहता है लूज द प्रिजनर. लूज मीन्स लेट फ्री, उसे छोड़ दो. और फिर वो उन्हें ऑर्डर देता है राइट टर्न करने का और क्विक मार्च, और वो वहां से मार्च करते हुए चले जाते हैं. जैसे ही सार्जेंट और जेंडार्म्स वहां से चले जाते हैं, देयर इज अ लॉन्ग पॉज, काफी देर तक साइलेंस रहता है. देन द कॉन्विक्ट सेज वेरी स्लोली एज इफ इन अ ड्रीम, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है. वो कहता है यू टोल्ड देम यू हैड गिवन मी द कैंडल स्टिक्स, गिवन मी देम बाय गॉड. कॉन्विक्ट कहता है कि आपने उनको, यानी कि जेंडार्म्स को ये कहा कि आपने कैंडल स्टिक्स मुझे दी थी, आपने मुझे वो कैंडल स्टिक्स दी थी, हे भगवान. परसॉम सेज शेकिंग हर फिस्ट एट हिम एंड हगिंग द कैंडल स्टिक्स टू हर ब्रेस्ट. परसॉम कॉन्विक्ट को एक फिस्ट दिखाती है, यानी कि अपना मुक्का दिखाती है, पंच दिखाती है, और कैंडल स्टिक्स को अपनी छाती से लगा लेती है और फिर कहती है ओह यू स्काउंड्रल, यू पिटीफुल स्काउंड्रल, यू कम हियर and are fed and warmed and you thief, steal from your benefactor, oh you blackguard. Scoundrel is a person who does wrong works, who is a cheat, a dishonest man. Fed means kisi ko khana khilana, warmed means kisi ko warmness, coziness dena, benefactor is your well-wisher, ek insaan jo aapka achha chahata hai. And blackguard is a man who behaves in a dishonorable manner. Parsom kehti hai, oh, you are a cheat, you are a dishonest man. Tum yahan par aaye, tumhe humne khana khilaya, tumhe warmth di, tumhe ek pyar bhara atmosphere diya, tumhe sone ke liye jagah di, aur tumne yahin se chori ki, tumne apne well-wisher ki chori ki, ek aisa insaan jo tumhara bhala karna chahta tha, तुमने उसके यहां से चोरी की. तुम एक ब्लैक गार्ड हो, तुम एक डिसऑनरेबल मैन हो, तुम एक इज्जतदार इंसान नहीं हो. बिशप सेज परसॉम यू आर ओवर रॉट, गो टू योर रूम. ओवर रॉट मीन्स टेंस, रेस्टलेस. परसॉम की ऐसी बातें सुन के बिशप उसे कहते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा टेंस हो, रेस्टलेस हो, चिंता कर रही हो, जाओ अपने कमरे में जाओ. परसॉम सेज व्हाट एंड लीव यू विद हिम टू बी चीटेड अगेन, परहैप्स मर्डर्ड, नो आई विल नॉट. परसॉम कहती है क्या मैं आपको यहां पर इस आदमी के साथ छोड़ दूं ताकि ये आपके साथ फिर से धोखा करे और हो सकता है ये आपका खून कर दे. नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी. बिशप विद स्लाइट सिवियरिटी, सिवियरिटी मीन्स स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टनेस से बिशप कहते हैं परसॉम लीव अस, आई विश इट. शी लुक्स हार्ड एट हिम देन टर्न्स टुवर्ड्स द डोर. लुक्स हार्ड एट हिम का मतलब है लुक्स केयरफुली, बड़े ध्यान से. जब परसॉम को कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ, परसॉम कॉन्विक्ट की तरफ बड़े ध्यान से देखती है, बड़ी ही हेटफुल नजरों से उसको देखती है और फिर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है. Then again Parsom says, well, if I must go, at least I take the candlesticks with me. Parsom kehti hai, chalo theek hai, agar mujhe yahan se jana hi hai, to main candlesticks ko apne saath le jaati hoon. Bishop is more severe. Wo aur bhi zyada strictly kehte hai, Parsom, place the candlesticks on that table and leave us. Wo kehte hai, in candlesticks ko table par hi rakhe rehne do aur yahan se chali jao. Parsom defiantly. Defiantly means वो उसके अगेंस्ट जा रही है, वो उसको डिसोबे कर रही है और वो उसे डिसोबे करते हुए कहती है आई विल नॉट. वो कहती है मैं यहां से नहीं जाऊंगी. बिशप लाउडली एंड विद ग्रेट सिवियरिटी, अब वो बहुत जोर से, अब बहुत स्ट्रिक्टली कहता है आई योर बिशप कमांड इट. कमांड मीन्स ऑर्डर. अब फाइनली बिशप कहता है कि मैं तुम्हारा बिशप हूं, तुम्हारा रिलीजियस प्रीस्ट हूं, तुम्हारा रिलीजियस हेड हूं और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं कि यहां से जाओ.
Persaum does so with great reluctance and exits right. Reluctance means unwillingness. Finally, Persaum वहां से चली जाती है, लेकिन अभी भी वो जाना नहीं चाहती. Convict is shamefaced and he says, Monsignor, I am glad I didn't get away with them. Curse me, I am glad. अब convict बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि उसने इतना बड़ा पाप किया. वो बिशप को कहता है, Monsignor, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं ये candlesticks को चोरी करके ले जा नहीं पाया, मुझे पकड़ लिया गया. और वो अपने आप को कर्स करता है, वो कहता है कि काश भगवान मुझे इस गलती की सजा दे. बिशप सेज, नाउ वोंट यू स्लीप हियर, सी योर बेड इज रेडी. तो देखो, बिशप ने कॉन्विट को कुछ भी नहीं कहा, इतना सब कुछ हो गया, उनकी इतनी प्रेस्टीजियस, इतनी प्रेशियस कैंडलस्टिक्स को इस कॉन्विट ने चुराया, लेकिन फिर भी बिशप उसे क्या कह रहे हैं, आओ यहाँ आकर सो जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए बेड बना के रखा हुआ है, यहाँ पर रेस्ट कर लो. इससे हमें पता लगता है कि बिशप कितने काइंड है. कॉन्विक्ट सेज नो, लुकिंग एट द कैंडलस्टिक्स, नो नो आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट. कॉन्विक्ट घबराया हुआ है, वो इतना ज्यादा गिल्टी है, उसे इस चीज की रियलाइजेशन है कि उसने बिशप के साथ बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. Besides, I must go on. I must get to Paris. It is big. And I can be lost there. They won't find me there. And I must travel at night. Do you understand? Bishop says, I see. You must travel by night. So, convict कहता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पर सोना नहीं है, क्योंकि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे पेरिस पहुँचना है. पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है और वहां पर इतनी सारी पब्लिक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां की, कि मैं वहां पर मिक्स हो जाऊंगा और मुझे वहां पर कोई भी पहचान नहीं पाएगा, कोई भी मुझे वहां पकड़ नहीं पाएगा. तो कॉन्विक्ट ये कहना चाहता है कि पेरिस में जेंडाम्स उसे पकड़ नहीं पाएंगे, और वो कहता है कि मुझे रात में ही ट्रैवल करना है, क्योंकि रात को ट्रैवल करना सेफ है. और वो बिशप को कहता है कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और इसलिए मुझे जाने दीजिए. देन बिशप कहता है कि ठीक है, मैं समझता हूं तुम रात को ट्रैवल करना चाहते हो. कॉन्विक्ट सेज, आई डिडंट बिलीव देयर वाज एनी गुड इन द वर्ल्ड, वन डजंट व्हेन वन हैज बीन इन हेल, बट समहाउ आई नो यू आर गुड एंड इट्स अ क्वीर थिंग टू आस्क, बट would you bless me before I go? I think it would help me. I hangs his head very shamefacedly. Convict कहता है कि आपसे मिलने से पहले जब मैं hell में रहता था, जब मैं नर्क में रहता था, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी भी दुनिया में अच्छाई बाकी है. लेकिन आपको मिलने के बाद मुझे ये चीज का एहसास हुआ कि अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं. Queer means strange. वो कहता है कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें. आप मुझे जाने से पहले आशीर्वाद दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्लेसिंग से मुझे मदद मिलेगी. और वो अपने सिर को नीचे की तरफ झुका के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि उसने इतने अच्छे बिशप के यहाँ भी चोरी करी. Bishop makes the sign of the cross and murmurs a blessing. Bishop अपने उंगलियों के साथ Jesus Christ के cross का sign बनाते हैं और अपने मुंह में एक blessing बोलते हैं convict के लिए. Convict tries to speak but a sob almost chokes him. Chokes means makes him unable to speak. वो बोल नहीं पाता. Convict भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से आंसू निकल आते हैं, वो रोने लग जाता है और इसलिए वो बोल नहीं पाता. लेकिन फिर भी वो कहता है गुड नाइट. ही हरीज टूवर्ड्स द डोर, और वो बाहर के दरवाजे की तरफ जाता है. तभी बिशप कहता है, स्टे माय सन, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी, गिविंग हिम द कैंडलस्टिक्स. स्टे मींस स्टॉप. वो उसे कहता है रुक जाओ, तुम अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी चीज, अपनी बिलोंगिंग को भूल गए हो. और वो किस चीज को रेफर कर रहा है? कैंडलस्टिक्स को. बिशप इस कॉन्विक्ट को कैंडलस्टिक्स देता है. कॉन्विक्ट सेज, यू मीन
मी यू वॉन्ट मी टू टेक देम। कॉन्विक बहुत ज्यादा हैरान है, वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये कैंडल स्टिक्स ले लूं। बिशप सेज प्लीज दे मे हेल्प यू। द कॉन्विक टेक्स द कैंडल स्टिक्स इन एब्सोल्यूट अमेजमेंट। अमेजमेंट मीन्स एस्टोनिशमेंट, हैरानी। बिशप कहता है कि प्लीज तुम ये कैंडल स्टिक्स को ले लो, ये तुम्हारी मदद करेंगी। और कॉन्विक्ट उन कैंडल स्टिक्स को बड़ी ही हैरानी के साथ पकड़ लेता है। एंड द बिशप सेज एंड माय सन देयर इज अ पाथ थ्रू द वुड्स एट द बैक ऑफ दिस कॉटेज विच लीड्स टू पेरिस। इट इज अ वेरी लोनली पाथ एंड आई हैव नोटिस्ड दैट माय गुड फ्रेंड्स द जेंडाम्स डू नॉट लाइक लोनली पाथ्स एट नाइट। इट इज क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, बहुत ही अजीब सी बात है। बिशप कॉन्विक को कहता है कि मेरे घर के पीछे, मेरे कॉटेज के पीछे एक रास्ता है जो कि वुड्स यानी कि जंगल में से निकलता है, और उस रास्ते से जाओगे तो तुम पेरिस पहुंच जाओगे। और फिर वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ही खाली रहता है, बहुत ही कम लोग इस रास्ते पर जाते हैं, और जो जेंडाम्स हैं, जो पुलिस है, वो रात के समय ऐसे लोनली पाथ्स पर नहीं होती। तो बिशप कॉन्विक्ट को ये कहना चाहता है कि ये जो रास्ता है ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, इस रास्ते पे जेंडाम्स भी नहीं होंगे, पुलिस भी नहीं होगी, और तुम बड़ी आसानी से पेरिस पहुंच जाओगे। फिर वो कहता है कि इट इज क्यूरियस, वो कहता है बहुत ही अजीब सी बात है कि रात के समय में पुलिस ऐसे खाली जगहों पर नहीं होती है। लेकिन वो कॉन्विक्ट को ये कहता है कि तुम इस चीज का फायदा उठाकर आसानी से, बड़े ही आराम से, बिना किसी डर के पेरिस पहुंच सकते हो। कॉन्विक्ट सेज आह थैंक्स थैंक्स मनसेनर आई ही सॉब्स आह आई एम अ फूल अ चाइल्ड टू क्राई बट सम हाउ यू हैव मेड मी फील दैट इट इज जस्ट एज इफ समथिंग हैड कम इन टू मी As if I were a man again and not a wild beast. The door at back is open and the convict is standing in it. Convict Bishop ko kehta hai thanks aur wo rone lag jata hai. Wo kehta hai main kitna buddhu hoon ke bachcho ki tarah ro raha hoon. Lekin mujhe aise lag raha hai ke mere andar kuch aa gaya tha. Aur mujhe ab aisa feel ho raha hai ke ek baar phir se main ek aadmi ban gaya hoon, ek insaan ban gaya hoon. और जो मेरे अंदर एक जंगली जानवर था वो अब निकल चुका है, वो अब बाहर जा चुका है। और बिशप के कॉटेज का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे में कॉन्विक खड़ा हुआ है पेरिस की तरफ जाने के लिए तैयार। बिशप सेज पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर। बिशप कॉन्विक के शोल्डर पर अपना हाथ रख के कहते हैं ऑलवेज रिमेम्बर माई सन That this poor body is the temple of the living God. Bishop कहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा ये याद रखना कि ये जो हमारा शरीर है ये भगवान का घर है। वो उसको ये कहना चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो भगवान का ही एक रूप है, और अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं उसका अंजाम हमारी सोल को मिलता है। कोई भी गलत काम हम जो करते हैं उसकी वजह से हमारी जो आत्मा है वो हेल में जाती है, वो नर्क में जाती है, और उसे भगवान पनिश करते हैं। कॉन्विक्ट सेज विद ग्रेट ओ मीन सरप्राइज, हैरानी। कॉन्विक्ट बड़ी ही हैरानी से कहता है द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड आई रिमेम्बर। कॉन्विक्ट कहता है कि मैं ये याद रखूंगा कि हमारा शरीर भगवान का घर है। The bishop closes the door and goes quietly to the prie-dieu in the window right. He sinks on his knees and bows his head in prayer. What is a prie-dieu? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, prie-dieu is a kneeling desk for use in prayer. अगर आप चर्च जाएंगे वहां पर आप देखेंगे ऐसे prie-dieus पड़े होते हैं। ये एक डेस्क होता है जिसपे आप नील डाउन कर सकते हैं, यानी कि अपने घुटने टेक कर बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना फोरहेड रख सकते हैं और जीसस क्राइस्ट को प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही बिशप भी उनके घर में जो प्राइड्यू पड़ा हुआ है उस पर जाकर नील डाउन कर बैठ जाते हैं और अपने सिर को आगे की तरफ झुकाकर
क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को प्रे करने लग जाते हैं और साथ ही कर्टन बंद हो जाता है, प्ले एंड हो जाता है. नाउ वी विल सी अ समरी ऑफ दिस चैप्टर. द प्ले इज सेट इन द किचन ऑफ द बिशप्स कॉटेज. बिशप का जो घर है उसकी किचन में प्ले की सेटिंग है. परसॉन द बिशप्स सिस्टर इज प्रिपेयरिंग सपर फॉर हिम एंड इज वरिड अबाउट हिज वेयर अबाउट्स. बिशप की बहन है परसॉन, वो बिशप के लिए इवनिंग मील सपर बना रही है और चिंता कर रही है कि पता नहीं बिशप कहां पर है. द हेल्प मेरी टेल्स हर दैट ही हैज गॉन टू सी हर एलिंग मदर मेयर ग्रिंगो. उनकी एक मेड है मेरी, वो परसॉन को बताती है कि बिशप मेरी की बीमार माँ मेयर ग्रिंगो को देखने गया हुआ है. परसॉन इज एंग्री दैट द सेल्फिश पीपल डू नॉट थिंक अबाउट द बिशप एंड ही इज आउट इन सच एक्सट्रीम कोल्ड टू अटेंड द एलिंग लेजी ओल्ड वुमन. परसॉन को बहुत गुस्सा आता है कि किसी को भी बिशप की चिंता नहीं है, इतने ठंड भरे मौसम में उन्हें इस बीमार बूढ़ी लेजी औरत को देखने जाना पड़ा. She is concerned as her brother has sold all their possessions to help the needy people. परसॉन को बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि बिशप ने अपनी सब चीजों को बेच दिया है जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए. She is shocked when she comes to know that the family's silver salt cellars have also been sold to pay Mayor Gringo's rent. परसॉन को एक शॉक लगता है, एक झटका लगता है जब उसे ये पता लगता है कि उनके जो चांदी के सॉल्ट सेलर्स थे उन्हें भी बिशप ने बेच दिया है मेयर ग्रिंगो के घर का किराया भरने के लिए. जस्ट देन द बिशप अराइव्स एंड सेंड्स मेरी टू अटेंड टू हर सिक मदर. तभी बिशप आ जाते हैं और वो मेरी को कहते हैं कि जाओ जाकर अपनी बीमार माँ का ध्यान रखो. परसॉन इज हर्ट एंड एनॉयड विद द बिशप. She says that he will also sell the candlesticks in order to help someone else. परसॉन अपने भाई को कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्से हूँ, बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप सब कुछ बेच रहे हैं. और वो कहती है कि एक दिन आप अपनी candlesticks को भी बेच देंगे किसी की मदद करने के लिए. The bishop appreciates her thought of kindness but says that as the candlesticks are the only remembrance of his mother, he will not sell them. बिशप कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी बहन परसॉन इतनी अच्छी है, इतनी दयालु है और वो ये सोचती है कि उन्हें कैंडलस्टिक्स भी बेच देनी चाहिए किसी की मदद करने के लिए. लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये उनकी माँ की आखिरी निशानी है और इसलिए वो इन्हें नहीं बेचेंगे. परसॉन रिटायर्स फॉर द नाइट. परसॉन अपने कमरे में जाकर सो जाती है. अ कॉन्विक्ट एंटर्स द बिशप्स होम. He seizes him and threatens to kill him. रात के समय बिशप के घर में एक कैद से भागा हुआ चोर आ जाता है. वो बिशप को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा. He orders him for food as he is very hungry. The bishop calls out for Persom to serve him food and wine. कॉन्विक बिशप को कहता है कि मुझे खाना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है. बिशप परसॉन को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस भूखे आदमी को खाना और वाइन दे दो. ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द कॉन्विक्ट. ही कॉल्स हिम सन एंड ऑल्सो ट्राइज टू काम परसॉन हु इज फ्राइटेंड टू सी हिज नाइफ एंड हंग्री आईज. बिशप को इस कॉन्विक्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो अपनी बहन को भी शांत करने की कोशिश करते हैं जो कि इस कॉन्विक्ट के चाकू और उसकी भूखी आंखों को देखकर डरी हुई है. द बिशप कॉम्फर्ट्स द कॉन्विक्ट. ही टेल्स हिज पास टू द बिशप. बिशप कॉन्विक्ट के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करते हैं और कॉन्विक्ट उन्हें अपना बीता हुआ पास्ट बताता है. द कॉन्विक्ट वॉज अ गुड मैन एंड वंस circumstances led him to steal food for his sick starving wife. Convict एक बहुत ही अच्छा आदमी था और एक बार उसके हालात इतने बुरे हुए कि उसे अपनी बीमार भूखी वाइफ के लिए खाना चुराना पड़ा. He was caught and sentenced to prison ships for 10 years. Convict को पुलिस ने पकड़ लिया और चोरी करने के इल्जाम में उसे 10 साल के लिए prison ships पर भेज दिया गया. His wife died and the inhuman treatment at the prison made him a beast. इसी दौरान convict की wife मर गई और उसके साथ इस जेल में बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ और वो एक इंसान से एक जानवर बन गया. The bishop is kind to the convict, assures him protection and asks him to sleep.
बिशप इस कॉन्रेड के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ही दयामय हैं, और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं पकड़ेगा, और वो उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर सो जाओ, तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग परसोम डिस्कवर्स दैट द कॉन्विक्ट एंड द कैंडलस्टिक्स आर मिसिंग। अगली सुबह परसोम देखती है कि वो आदमी और कैंडलस्टिक्स वहां पर नहीं है, बिशप की कैंडलस्टिक्स को वो आदमी लेकर चला गया है। द पुलिस फाइंड द कॉन्विक्ट टू बी सस्पिशियस एंड अरेस्ट हिम। दे अराइव विद द कॉन्विक्ट एंड द कैंडलस्टिक्स। तभी थोड़ी देर में बिशप के घर पे पुलिस आ जाती है और उनके साथ कॉन्विक्ट भी है और कैंडलस्टिक्स भी हैं। उन्हें ये कॉन्विक्ट मिला था और उन्हें उस पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। द बिशप टेल्स देम दैट द मैन इज हिज फ्रेंड एंड दैट द कैंडलस्टिक्स हैव बीन गिफ्टेड बाय हिम टू द मैन। दे फ्री द कॉन्विक्ट। बिशप पुलिस को कहते हैं कि ये जो आदमी है ये बिशप का दोस्त है और उन्होंने ही ये कैंडलस्टिक्स उसे तोहफे में दी थी। पुलिस उसको छोड़ देती है। द कॉन्विक्ट इज सरप्राइज्ड बाय सच काइंडनेस। ही प्रोमिसेस टू चेंज हिमसेल्फ। द बिशप ब्लेसेस हिम एंड गिफ्ट्स द कैंडलस्टिक्स टू हिम। ही शोज हिम अ सीक्रेट पाथ टू पेरिस वेयर द कॉन्विक्ट कैन लीड अ सेफ एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। बिशप की इस काइंडनेस से कॉन्विक्ट बहुत ज्यादा हैरान है, उसे इस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसने इतने अच्छे आदमी के यहाँ पर चोरी की, और वो बिशप से वादा करता है कि अब वो ऐसे गलत काम नहीं करेगा। बिशप कॉन्विक्ट को आशीर्वाद देते हैं और अपनी कैंडलस्टिक्स उसे तोहफे में दे देते हैं। वो कॉन्विक्ट को एक सीक्रेट रास्ता दिखाते हैं जो कि जंगलों में से होता हुआ पेरिस को जाता है और वहां पर अच्छी जिंदगी जी सकता है और वहां पे पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाएगी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द बिशप वॉज राइट इन सेलिंग द सॉल्ट सेलर्स? वाई और वाई नॉट? द आंसर इज येस, the bishop was justified in selling the salt cellars. As he was a true Christian, he was helpful towards the needy people. As May Gringot did not have money to pay the rent, he helped her by selling the salt cellars. The bishop's kind heart forced him to do so. Salt cellars बेचने में bishop सही थे, वो एक सच्चे Christian थे और उनका ये धर्म था कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें, और मैं ग्रिंगो अपने घर का किराया नहीं दे सकती थी, इसलिए बिशप ने इन सॉल सेलर्स को बेचकर उसकी मदद की। बिशप का एक बहुत ही दयालु दिल था जिसकी वजह से वो ऐसे काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज परसोम फील द पीपल प्रिटेंड टू बी सिक? द आंसर इज परसोम फील्स दैट द पीपल आर ग्रीडी एंड सेल्फिश। दे डू नॉट बॉदर अबाउट द बिशप। They adore the caring humanitarian nature of his. So, they want him to visit and bless them. Hence, they pretend to be sick so that the bishop is concerned and visits them. परसोम का ये मानना है कि लोग बहुत ही लालची हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें बिशप की कोई चिंता नहीं है। उन्हें बिशप की caring और loving nature बहुत पसंद है और इसलिए वो ये चाहते हैं कि बिशप उनके घर जाए और उन्हें आशीर्वाद दे। इसीलिए वो ऐसे शो करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बीमार है ताकि बिशप उनके लिए चिंता करे, उन्हें मिलने जाए और उन्हें आशीर्वाद दे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज जॉनेट? वॉट वॉज द कॉज ऑफ हर डेथ? द आंसर इज जॉनेट वॉज द कॉन्विक्ट्स वाइफ। शी डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन एंड सिकनेस। ये जो कॉन्विक्ट है उसकी वाइफ का नाम था जॉनेट और वो बीमारी और भूखमरी की वजह से मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्विक्ट सेज आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद शाफ। व्हाट डज ही मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको लेसन में भी बताया था, एक बार फिर से आंसर देखते हैं। द स्टेटमेंट आई एम टू ओल्ड अ बर्ड टू बी कॉट विद शाफ मीन्स that he is an experienced person and cannot be trapped by soft, loving words. Statement ka ye matlab hai ki wo ek experienced aadmi hai, usne zindagi ko bahut zyada dekha hai aur isi liye koi bhi apne pyar bhare shabdon ke saath uska bevkoof nahi bana sakta, use apne jaal mein nahi fasa sakta. Question number 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Why was the convict sent to prison? What was the punishment given to him? The answer is, the convict was sent to prison for stealing food for his sick, starving wife. He was sent to prison for 10 years. The prison turned him into a beast. He was tied in chains like wild animals. He was hit like a hound, given rotten food to eat, and was covered with worms and insects. कॉन्विक्ट को जेल भेजा गया था क्योंकि उसने खाना चुराया था अपनी बीमार भूखी वाइफ के लिए. उसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया और जेल में उसे एक जानवर बना दिया गया. उसे चेन्स के साथ बांधा गया, बहुत जोर जोर से मारा गया, गंदा खराब खाना दिया गया और उसका सारा शरीर कीड़े मकौड़ों से भर गया. क्वेश्चन नंबर 6. Do you think the punishment given to the convict was justified? Why or why not? Why is the convict eager to reach Paris? The answer is, I think that the punishment and inhuman treatment given to the convict was not justified. He had stolen food for his sick starving wife. As a punishment for this, he was sentenced for 10 years to the prison ships. मेरा ये मानना है कि कॉन्विक्ट को जो सजा दी गई थी और जो बुरा बर्ताव उसके साथ किया गया था वो सही नहीं है. उसने अपनी बीमार भूखी वाइफ के लिए खाना चुराया था और उसके बदले में उसे सजा के लिए 10 साल के लिए प्रिजन शिप्स पर भेज दिया गया. देयर ही वॉज चेन्ड, हिट, गिवन रॉटन फूड एंड टर्न्ड इनटू अ बीस्ट. The convict wants to reach Paris as it is a big city and the police will not be able to catch him there. और वहां पर उसे चेन से बांधा गया, बहुत जोर जोर से मारा गया, खराब खाना दिया गया और उसे एक जानवर बना दिया गया. Convict पेरिस जाना चाहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर पुलिस उसे पहचान नहीं पाएगी, उसे पकड़ नहीं पाएगी और वो आराम से वहां पर जी सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. Before leaving, the convict asked the bishop to bless him. What brought about this change in him? The answer is, the convict asks the bishop to bless him. Convict bishop ko kehta hai ki please mujhe aashirwad dijiye. This shows that the beast in him has died and he has again become a man. Isse hame ye pata lagta hai ki convict ke andar ka jo janwar hai wo khatam ho gaya hai aur wo fir se ek bar insaan ban gaya hai. This change is because of the bishop. The bishop's love, kindness and humanitarian nature has transformed the convict. Convict ke andar ye jo badlav aaya hai ye bishop ki wajah se hai. Bishop ke pyar aur dayalu behavior ne convict ko badal diya hai. Question number 8. Read the following extract and answer the questions that follow by choosing the correct option. पहला एक्सट्रैक्ट है मनसेनर द बिशप इज अहम. क्वेश्चन है व्हाई डस परसोम नॉट कंप्लीट द सेंटेंस. इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. शी डिड नॉट विश टू क्रिटिसाइज द बिशप इन फ्रंट ऑफ मेरी. इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज शी एंग्री विद द बिशप. Out of these four options, the correct answer is option 1. The bishop has sold her salt cellars. That is why Persom is angry with the bishop. Now the next extract is, she sent little John to Mansaner to ask for help. Is pe based question hai, who sent little John to the bishop? The answer out of these four options is option 1, Mayor Gringo. मैं ग्रिंगो ने जॉन को भेजा था बिशप के पास मदद मांगने के लिए. इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी सेंड जॉन टू द बिशप. द आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इज ऑप्शन 2, एज शी न्यू दैट ही वाज अ जेनरस पर्सन. मैं ग्रिंगो को पता था कि बिशप एक बहुत ही जेनरस, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, इसीलिए उसने जॉन को उनके पास मदद के लिए भेजा था. Third extract, I offered to take her in here for a day or two, but she seemed to think it might distress you. First question based on this extract is, the bishop wanted to take Mayor Gringo in because
The answer out of these four options is option 3. She was unable to pay the rent of her house. बिशप ने मेयर ग्रिंगॉग को कहा कि आप आकर हमारे घर में रह लीजिए क्योंकि वो अपने घर का किराया नहीं पे कर सकती थी. इसी एक्सट्रैक्ट पे भी सेकेंड क्वेश्चन है. पर सॉम वुड बी डिस्ट्रेस्ड ऑन मेयर ग्रिंगॉग बीइंग टेकन इन बिकॉज द आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस इज ऑप्शन 2. शी फेल्ट दैट मेयर ग्रिंगॉग वाज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द बिशप. पर सॉम को डिस्ट्रेस क्यों होगा? क्योंकि उसे ये लगता था कि मेयर ग्रिंगॉग बिशप की अच्छी नेचर का नाजायज फायदा उठाती है. With this, this chapter comes to an end. Thank you.